नेक्स्ट जो है ये आपके पास 3.10। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फाइंड करनी है, एफ सी इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास। मास आपको दिया हुआ है, मास है आपके पास 0.5 kg। टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस यानी आर आपके पास है 50 cm। आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 50/100 यानी 0.5 m। तो आपने फाइंड क्या करना है इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एफ सी इज इक्वल एफ सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अभी आप देखें, मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 cm विद अ स्पीड ऑफ 3 m/s। यानी आपको वी जो है उसने लास्ट में क्या दिया है, 3 m/s। अभी आपके पास सारे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी एम की वैल्यू आपके पास 0.5, वी की वैल्यू आपके पास 3, आर की वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या है, 0.5। इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें आप, एफ इक्वल एम की वैल्यू है आपके पास 0.5, वी की वैल्यू क्या है आपके पास, यानी 3 का स्क्वायर ओवर आर आपके पास क्या है, 0.5। 0.5 जो है 0.5 के साथ आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, 3 का आप स्केल लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9, और फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो आपके पास न्यूटन। तो ये आपके पास जो है ये चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम्स जो है 3.10।